जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त चाषी भाई तथा कृषि प्रेमी भाई भौनी मानकु मोर नमस्कार। मु अरविंद साहू कृषिविद यूट्यूब चैनल रो कृषि संपदा कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आपण माने बड़ पोखरी रे माछ चाष देखिथिबे सेथिरे अधिका बड़ पोखरी रे माछ जाळ छाड़ीबा खाद्य दबा एवं ताकु अमल करिबा एक समय सापेक्ष होइथाय। ता छड़ा अधिक मानव संबल रो आवश्यक होइथाय। यदि छोट जगार माछ चाष करा जाय सही माछ चाष को प्रजुक्ति विद्या एवं ज्ञान कौशल माध्यम रे यदि छोट जगार करा जाय ताहले अल्प मानव संबल दरकार होइथाय एवं अल्प समय दरकार होइथाय। ता फल रे आमे तार अधिक जत्न नै परिबा एवं लाभवान हे परिबा। तेणु आसंत आज आम जानिमा से परी प्रजुक्त विद्या एवं नूतन ज्ञान कौशल माध्यम रे करा जाय एक माछ चाष बायोप्लग माछ चाष विषय रे। माछरे अल्प चर्बी उत्तम मानर प्रोटीन संग को विटामिन फैटी एसिड और अनेक प्रकार खनिज लवण थाए। तेणु उत्तम भोजन मध्य माछर भूमिका अन्यतम। बायोप्लग माछ चाष पाई एकाधिक छोट छोट टांकी करा जाय थाए। एही टांकी अस्थायी भावे टार्पोलिन रे स्थायी भावे कंक्रीट्रे तैयारी करा जाय थाए। कंक्रीट्रे टांकी तैयारी करले ये बहुत दिन पर्यंत रही थाए। तेणु चाषी भाई गोटे थर इन्वेस्टमेंट करी बहुत दिन पर्यंत टांकी रे माछ चाष करिथांती। कंक्रीट टांकी रे गोटे फुट पर्यंत माटी दिया जाय थाए जहाँ कि प्लांकटन बढ़िया पाई सहाय्य करथाए। एथिरे जल निष्कासन ओ जल भर्ती करिया पई सुविधा रखा जाय थाए। एथिरे साधारणतः देसी मागुर टिलापिया रूपचांदी और देसी कौ माछ चाष करा जाय थाए। एथिरे अधिक परिमाण रो माछ थिबारु ऑक्सीजन अभाव पूरण करिया पई कृत्रिम ऑक्सीजन जोगे दिया जाय थाए। ता छडा माछ पई फ्लोटिंग खाद्य माछरे रोग न होवा पई औषध विटामिन मिनरल दरकार होय थाए। पानी रो पीएच टीडीएस मापिबा पई वाटर टेस्टिंग किट मध्य दरकार होई थाए। साधारणत पानी रो पीएच 8 रु 10 भीतर रह आवश्यक। सेपरी टीडीएस 800 रु 1000 पर्यंत रह आवश्यक। आज आम सहित अच्छा श्रीजुक्त पीतवास शतपथी महोदय जेकि बायोप्लग माछ चाष करछंती। आज आम जानिमा कौ पद्धति रे कौ कौशल रे करा हैछि एवं तापर केते लाभ होउछि एवं केते क्षति होउछि आउ एथिरे अन्य माने मध्य किपरि प्रेरणा पाई परिबे एवं छोटो जागा रे माछ चाष करिकि लाभवान हे परिबे वर्तमान श्रीजुक्त पीतवास शतपथी गठु सुनिबा। आज्ञा नमस्कार, मु पीतवास शतपथी कहुछि नुआ गाँ कटिगोटा ग्राम पंचायत रप कम आरंभ करदेली। कम आरंभ कलापर गोटे गोटे दुईटा दुईटा तीन टा करदेली टे बड़ बड़ साइज करदेली। मु संग्राम केसरी कर वर्तमान अच्छी अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी कौशलागंग फार्म स्टेट फिशरीज माछ चाष एक लाभजनक चाष। सांगे सांगे आम गोटे रिसेंट डेवलपमेंट होती बायोफ्लग जैव पुंज जहाद्वारा कि आपणकर धरतु
कौन सी जगह पोखरी खोलिया को जगह ना छोट छोट फार्मर्स मैंने अच्छा नॉमिनल फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स जहाँ चाष जमी ना पोखरी खोलिया सुविधा ना से आमर बायोफ्लक सिस्टम बर्तमान फिश प्रोडक्शन चलती जोटा कि बायोफ्लक जोटा हूँ आम इनोवेटिव गोटे आईडिया आटा रिसेंट रिली डेभलप कराद्वारा कि आपणकर छोट छोट कुंड मध्यम आपणकर कैटफिश ग्रुप क्लारियस बैट्राक सब मगुर सिंगी टिलापिया गुड़िक चाष कर आपरू प्रचुर परिमाण में माछ पाइपर एवं सेटा बाजार को तार फूड वैल्यूज अच्छी लोक मान द्वारा विशेष भाव आदृत हो बायोफ्लक द्वारा आमर जो स्कीम सब बर्तमान गवर्नमेंट कले बायोफ्लक सिस्टम आप गोटे कुंड करें गोटे टांकी दुईटा टांकी चार्टा छा पर्यंत आप टांकी कर सारे ताद्वारा गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोविजन अच्छी गोटे टांकी आपंकर जी जोड़े टांकी करती देढ़ लक्ष टा तीन टा टांकी कले आप अनुसार तीन लक्ष टा और छटा टांकी पर्यटन चार लक्ष टा जो थे कि आप 60% सब्सिडी और 40% सब्सिडी अच्छी जेनराल कास्ट मेल मान 40% सब्सिडी एवं वोमेन एससी एसटी ग्रुप लोक मानक आप 60% सब्सिडी अच्छी तेणु ये बायोफ्लक सिस्टम बर्तमान देश में चली भल भाव करी उत्पादन क्षम कराए तो आम निश्चित भाव उपकृत होगा एवं यह हूँ गोटे सरकार गोटे भल पदक्षेप यही पदक्षेप द्वारा चाषी मैंने छोट जगार विशेष परिमाण अमल होते सब बड़ कथा एथेर ऑक्सीजन आप जो कराए गैस जो गैसटा हुए अमोनिया गैसटा को डेवलप करा डेवलप हो पारे और अमोनिया गैसटा अब्जर्व करके बायो बायोफ्लक सिस्टम मैं उपयोगी हो पाए तेनाली वाटर एक्सचेंज दरकार पड़े बहुत लेस वाटर एक्सचेंज बा नो वाटर एक्सचेंज आम काम चले तेणु यहाँ भारी सिंपल आ टेक्निक टी हार्ड हेले भी बर्तमान डेवलपमेंट अच्छी कनसेप्टा लोक द्वारा निश्चित भाव में आदृत हो आशा कर धन्यवाद इथरे आपण केते टका खर्च करछन्ती जो बायोफ्लक माछ चासटे करछन्ती इथरे आपण केते टका पर्यंत खर्च होई छी गोटे गोटे टांकी आपण तीनोटी टांकी करछन्ती इते गोटे टांकी रे केते तीन टांका टांकी रे खर्च केते करा हाई छी तयारी करिया पई 75,000 टका खर्च होई छी गोटे गोटे टांकी रे 20 फुट ओसार 30 फुट नंब एवं 4.5 फुट गभीर इनपुट आउटपुट लगा हाई छी 75,000-70,000 खर्च हो गोटे गोटे टंकी ए कौन कौन माछ छाड़ी देशी मगुर छाड़ी आणकर आउ जलंग रूपचंद या छाड़ी आउ आम समस्ते जो एडवाइजर जो मैंने कहले कहले ना हो पार रोही भाकुर हो पार आम से जन कके गला कहीं पार देखिया रोही भाकुर गोटे टंकी कर किंतु किसी नष्ट रही भाकुर अच्छा सब सारी ये जो माछ अल्प जगार बहुत माछ अच्छा तेणु तर ऑक्सीजन अभाव हम तेणु ऑक्सीजन पाइबापी आप कौन व्यवस्था कराई रोड ब्रयर आउ रिंग ब्रयर एगुटा सब आवश्यक मत एत पैसा आवश्यक मानने पैसा अभाव पड़ा सा सब करने तथा तो रिंग ब्रयर दुटा लगे आउ ब्रयर दरकार होना हेवी अक्सीजेन दरकार आम रोही भाकुर मानी आउ रोड ब्रयर आने व्यवस्था चलती इतने पाखापाखि आप गोटे टांकी केते संख्यार माछ छाड़ी कौन कौन खाद्य दिह गोटे टांकी मगुर छाड़ी मु 10,000 पीस आउ खाद्य दूची आमर आबिश दाना आउ आ गोटे छाड़ी जे रूपचंद 5,000 3,000 है ये जलंग से आबिश दाना दिया दिहे आते छाड़ी 5,000 खाली रोही भाकुर मात्र 100 तेरे भावुंत निश्चित लाभ हम आप लाभ हम बोली आशा कर तो गोटे किस्ती उठे सारे हाँ मु पकई थी रूपचंद जलंग रूपचंद जलंग मोर 15 क्विंटल होते आई रहीगले बिक्री हो पारानी नहीं कि गोटे कढ़िया नहीं छाड़ी हाँ रूपचंद जलंग बहुत भल हो भाकुर देशी मगुर टी जहाँ मिलूनी देशी कौ जहाँ मिलूनी देशी कौ मु रखी जहाँ कलापर ताक छाड़े बोली अच्छी ये छोट टांकीटार कौन छड़ा है जोटा कि छोट टांकी अच्छी एम कि छड़ा है
ମାଛ ଛଡ଼ାହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିଟାରେ କ'ଣ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଦେଶୀ କଉ ଆଣିକରି ଦୁଇଶହ ପିସ୍ ଆମର ଗଢ଼ିଆରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଛାଡ଼ିଛି। ଆକୁ ବ୍ରିଡିଂ କରିବି ଏବଂ ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇବି, ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବାୟୋପ୍ଲଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଟାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଛ ଚାଷକୁ କରାଯାଇପାରୁଛି। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ପାଣିର ପିଏଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। ଏଥିରେ କେତେ ପିଏଚ୍ ଅଛି, ଏସିଡ଼ିଟି ଅଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଛି, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି, ଅନୁସାର ସାରର ଅଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଅନୁସାରେ ମାଛର ଗ୍ରୋଥ୍ଟା ହେବ। ଯଦି ପିଏଚ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ମାଛମାନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ପିଏଚ୍ଟାକୁ କେମିତି ମାପୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ। ପିଏଚ୍ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇଛି। ଏଇ ପିଏଚ୍ ମେସିନ୍ରେ ମୁଁ ପିଏଚ୍ ମାପୁଛି। ପିଏଚ୍ଟା ପାଣିରେ ରହିବା କଥା 8-10। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପିଏଚ୍ ଆଉ TDS ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦେଖିକରି ମେସିନ୍ ଆଣିଛି, ମଗାଇଛି, ଦେଖୁଛି ଏବଂ ମାପୁଛି। ଓ ଏଇଟା ତାହେଲେ ପିଏଚ୍ ମେସିନ୍? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ TDS ମେସିନ୍ର କାମ କ'ଣ? TDS ମେସିନ୍ ମିନେରାଲ୍ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମପାଯାଏ। ତେଣୁ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିବା ଦରକାର ଏଥିରେ? ଏଥିରେ ଆମର 29% ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଉ TDS ମେସିନ୍ କେବଳ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲା 29 ରହିବା ଦରକାର? TDS 800-1000 ରହିବ। ଯଦି ମନେକର ଏଥିରେ ପିଏଚ୍ ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ କରାଯିବ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ? ପିଏଚ୍ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ କିଛି ପାଣି କାଢ଼ିକି ପୁଣି କିଛି ପାଣି ପୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିଟା କରାଯାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ କରିଛି କ'ଣ ନା, ମାନେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଇନପୁଟ୍ ସୁବିଧା କରିଛି। ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ପାଣି ଆସିଲା, ପାଣି ବସିବ, ସେଠି ଖାଲି ଟିକେ ଖୋଲିଦେବି, ପାଣି ବାହାରିଲା। ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅଛି। କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ପାଣିଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି? ପାଣି ତ ସବୁ କଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି 10-20 ମିନିଟ୍ ସେ ମଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ 2-4 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନରେ ଥରେ କଢ଼ା ଯାଉଛି ଅଳ୍ପ କିଛି। ଆମର ସିମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ମାଛ ଚାଷ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଚାଷ ଭଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଆମକୁ ଲାଭ ଦରକାର, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଯତ୍ନ ସହକାର ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ୟାର ଯେଉଁ ରହିଛି ୱାଟର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଆଧାରେ ଆମୋନିଆ pH ଆମୋନିଆ ମିନିମମ୍ 1% ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1% ହେବା ଦରକାର। ଆଲ୍କାଲିନିଟି 800-1000 ରହିବା ଦରକାର। TDS 800-1000 ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମିନିମମ୍ 25-30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିପାରିବ। ମିନିମମ୍ 25 ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଗଲେ ମାଛ ଖାଇବନି, ସେମାନଙ୍କର ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋଗ ବା ଲିଭର୍ ପିତ୍ତକୋଷ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ TDS କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ୱାଟର୍ ଡିଜଲ୍ଭ ସୋଡ଼ିୟମ୍। ଆମର ସେଥିରେ ଦିଆଯାଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ଲୁଣ, ଆମେ ଖାଉଛେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ସେଇ ଲୁଣଟା। ସେ ଲୁଣଟା ମିନିମମ୍ 800-1000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ TDS ମେସିନ୍ରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତା'ର ଅର୍ଥ ଆଧାରେ ହେଲା କ'ଣ, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ୱାଟର୍ରେ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ଯେହେତୁ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ କମ୍ ରହିବ। ଯଦି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଦିଆ ନ ଯାଉଛି, ଆଧାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ମାଛର ଗାଲି ଖରାପ ହେବ, ମାଛ ମରିଯିବ, ପକ୍ଷୀ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଘା ହୋଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯାହା ବି ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମିନେରାଲ୍ ଠିକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦରକାର। ଡିଜଲ୍ ମିନେରାଲ୍ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ନ ରହିବ, ଭିଟାମିନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରହିବ, ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ନ ହେବ, ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପାଇପାରିବ, ମାଛ ନେବନି, ତ ସେଥିରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବନି, ହାମ୍ପର୍ କରିବ, ଲସ୍ ହେବ। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସଫରର ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଯାହା ବି ଦେବେ ଫିସରୀବାଲା ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଫିସରୀବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ କିଷାନ।